नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। हम आपको बता दें, हमारी खबर, हमारी रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है वो आज हम फिरोजपुर में हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से फिरोजपुर झिरका में नाका लगाया गया है। पुलिस प्रशासन, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का कल सुबह हरियाणा में यूं कहें कि सुबह 6 बजे प्रवेश होगा और स्वागत किया जाएगा। पूरी तरह से मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ से नाका लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है और होर्डिंग्स यहाँ देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। और हम आपको बता दें, ये अलवर टू नुहू वाला सड़क है, अलवर टू दिल्ली है। अगर आप अलवर के लिए जाना चाहते हैं मेवात से, तो आप बिल्कुल इस रास्ते पे ना आएँ, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा पहाड़ी होते हुए। इधर देख सकते हैं कामा पहाड़ी, जो भरतपुर का फिरोजपुर झिरका से रास्ता है, उस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज और हम आपको बताना चाहेंगे कल ये भी पूरी तरह से जो सड़क है सोना तक का, जो नूह से सोना तक का सड़क है, वो भी कल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का कल सुबह हरियाणा में प्रवेश करेंगे और उसी के लिए इस रास्ते को पूरी तरह से नाका लगा दिया गया है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है कि यहाँ कोई भी इस रूट से नहीं जा सकता, पूरी तरह से सड़क का। एक बार और फिर हम चाहेंगे दृश्य दिखाया जाए, पूरी तरह से पूरे सड़क को रोका गया। विधायक यहाँ फिरोजपुर झिरका विधायक मामन जी अभी दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए। हम भी वहाँ पहुँचेंगे, मूढ़ा का बॉर्डर से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा की किस तरह की तैयारियाँ मेवात में हैं, वो सारी चीज़ अब हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ डीटीवी पर बने रहिए, आगे बने रहिए, आगे हम आपको मूढ़ा का बॉर्डर का दृश्य दिखाएंगे, दिखाना चाहेंगे पूरी तरह से। आप देख सकते हैं जो कि पूरा जो सड़क है वो पूरी तरह से एकदम सुन है, एकदम साफ है, पूरा तरह से मतलब उसको साफ कर दिया गया है। चाहे उसके साइड्स की बातें करें, साइड्स भी पूरी तरह से उनको क्लियर किया गया है। इधर जो सड़क की बात करें तो आवागमन जो था इस मार्ग पर, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यूँ कहें कि बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ या तो पुलिस प्रशासन या फिर यूँ कहें कोई भी इमरजेंसी की गाड़ी यहाँ से शायद वो निकल सकती है। ये तो पुलिस प्रशासन से जब हम बातें करेंगे वो बता पाएंगे, लेकिन हमें अभी बता रहे हैं जो आपको, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ इस सड़क से सिर्फ और सिर्फ अभी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से जा पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि पुलिस प्रशासन यहाँ से जा पा रहा है। और पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल अभी यहां है। और फिरोजपुर झिरका जो कि जहां से प्रवेश करेंगे, पूरी तरह से हम आपको दिखा दें, ये फिरोजपुर झिरका है और फिरोजपुर झिरका के चौक पर हम हैं, मौजूद हैं। यानी कि जब फिरोजपुर झिरका में आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चौक नज़र आता है, उसी चौक पर हम खड़े थे, उसी चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए डीटीवी न्यूज़ चैनल पर, हम पूरी भारत जोड़ो यात्रा आपको दिखाएंगे इसी चैनल पर, आप जुड़े रहें लगातार, हम आपको लाइव सेशन में दिखाएंगे और हम आपको लगातार यहाँ राहुल गांधी जी को भी सुनवाएंगे। तो देखते रहें डीटीवी, हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, डीटीवी न्यूज़ से धन्यवाद। नदीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहाँ बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइक केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।